हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब के थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। सो आइए देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, साइंटिस्ट फाइंड ग्रीनर वे टू मेक O2, दैट इज ऑक्सीजन। तो हमने देखा है कि कैसे कोरोना की वेव के दौरान, फर्स्ट वेव तो इट वॉज स्टिल माइल्ड, बट ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19, द सेकेंड वेव विच सॉ इट्स इंटेंसिटी इन अप्रैल मई 2021, द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 के दौरान किस तरह से ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई। तो गवर्नमेंट ने भी अब तो ऑफिशियल फिगर्स में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, एंड वी नो हाउ ऑक्सीजन शॉर्टेज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट talked about things during the second wave of COVID-19. तो इसलिए अब पंजाब की यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स ने एक नया तरीका निकाला है ऑक्सीजन को बनाने का, right? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सो CUP और MRSPTU, इन दोनों ने मिल के रिसर्च की है और एक MOF या मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से ऑक्सीजन बनाना जो है वो सक्सेसफुली करके दिखाया है। इट वुड प्रूव बेनिफिशियल एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन टैकलिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज। इससे ऑक्सीजन बनाना अफोर्डेबल भी है और ग्रीन यानी कि कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला भी है। ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत सारे चैलेंजेस आए जैसा कि मैंने आपको बताया, तो रूरल एरियाज में या देहाती इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई या फिर ऑक्सीजन प्लांट लगाना इज अ कॉस्टली अफेयर। तो इसलिए MOF टेक्निक से अब ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी। जो एग्जिस्टिंग तरीके हैं जैसे कि जियोलाइट्स को यूज करके या फिर मॉलिक्यूलर सीड्स को यूज करके ऑक्सीजन बनाना, दे आर वेरी कॉस्टली एंड दे आर यूज्ड कमर्शियली। तो MOF जो टेक्निक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इससे ऑक्सीजन अगर बनाई जाती है तो ये जियोलाइट्स और मॉलिक्यूलर सीव्स के तरीकों से बेटर भी है, अफोर्डेबल भी है और रूरल एरियाज में इजीली इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। इट इज इजी टू प्रिपेयर इन एनर्जी एफिशिएंट ग्रीनर सिंथेटिक मेथड्स। एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, विच इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एज वेल, और इसे ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने में भी काम में लाया जा सकता है। जो सिलेंडर्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने में काम लाया जा सकता है। तो ये काफ़ी यूजफुल है इस टाइम के लिए। कोई भी इस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर होती है विच इज़ हेल्पफुल इन एनीथिंग दैट अ प्रॉब्लम दैट द ह्यूमैनिटी इज फेसिंग, तो अगर अनफॉर्चुनेटली थर्ड वेव आती है और उसमें हमें ऑक्सीजन शॉर्टेज होती है, तो इस तरह की रिसर्च एंड टेक्निक्स, जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, उससे इस तरह के गैप्स को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितनी जानें बचाई जा सके उतना ही बेटर। तो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। दूसरी भी एजुकेशन की फील्ड में एक न्यूज है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि कुछ ही महीने पहले गवर्नमेंट ने अनवील की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह देते हैं हम, NEP। तो NEP के तहत एक जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसे वर्नैक्युलर लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब फाइनली AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि इंजीनियरिंग की रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, AICTE, तो NEP के अंडर AICTE ने अब फाइनली परमिट कर दिया है कि जो BTEC प्रोग्राम या बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जिसे पॉपुलरली इंजीनियरिंग कहा जाता है, उसे 11 रीजनल लैंग्वेजेस में चलाने की परमिशन AICTE ने दे दी है। एंड दिस वॉज अनाउंस्ड बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए थे लास्ट मंथ के कैबिनेट रिशफल में, नाउ मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 11 लैंग्वेजेस में परमिशन दे दी गई है, जिसमें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमीज, पंजाबी और ओडिया लैंग्वेजेस आती है। तो इनमें पंजाबी भी एक लैंग्वेज है, यानी कि पंजाबी में BTEC करने की परमिशन दे दी गई है। सो टेक्निकल एजुकेशन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज।
तो एनईपी ने इस पे स्ट्रेस किया था टू एम्पावर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स रीजंस। हालांकि इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर देर आर डाउट्स, इसकी फिजिबिलिटी एज वेल एज इट्स स्कोप, क्योंकि अगर रीजनल लैंग्वेज में कोई टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, अदरवाइज टेक्निकल एजुकेशन इज एप्लीकेबल एंड इज वैलिड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है तो इट इज वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज में उसको करते हैं देन द स्कोप मे गेट वेरी वेरी लिमिटेड। सो इट रिमेन्स टू बी सीन वट विल बी द रिस्पॉन्स टू दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है remains to be seen, अगर response बुरा रहता है that also remains to be seen। Vice President M. Venkaiah Naidu ने इस decision को welcome किया है और फिलहाल के लिए 14 engineering colleges में इसको शुरू किया गया है, right? तो पंजाबी में B.Tech is something that we could only think of but now it is a reality, okay? तो ये कुछ दो important छोटी छोटी news इस हफ्ते पंजाब में important थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।